हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। देश में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता होगा जिस पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित का कोई बयान नहीं आता हो। देश में चल रहे हर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर राय रखने वाले अशोक पंडित आए दिन अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं। वहीं ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित को कट्टर मोदी भक्त के नाम से जाना जाता है। ऐसे में कभी पीएम मोदी को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तानियों और मोदी विरोधियों को लताड़ लगाने का मौका मिले तो अशोक पंडित कैसे पीछे रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राफेल डील मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को वैध मानते हुए 14 दिसंबर 2018 के अपने फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें नहीं लगता कि राफेल डील मामले में प्रायोरिटी दर्ज करने या बेवजह जांच करने का आदेश देने की जरूरत है। वहीं इस मामले को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी के मुंह पर करारा तमाचा है। कोर्ट ने उनके बेटों के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि राफेल मामले पर अपना रिएक्शन देते हुए अशोक पंडित ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनके मुंह पर तमाचा बताया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अशोक पंडित ने देश में चल रहे किसी मुद्दे पर अपनी राय रखी हो। इससे पहले भी महाराष्ट्र में चल रहे सीएम की कुर्सी के घमासान पर भी अपनी राय रखी थी। वेल, तो राफेल डील फैसले को राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा बताकर अशोक पंडित ने सही किया या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।